बार फिर स्वागत है आपका रामजस क्रिकेट टूर्नामेंट में। एनआर सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज राउंड टू का आखिरी मैच है, जो टीम सेवेज और पंजाबी पैंथर के बीच में होगा। दोनों टीमें ये मैच जीतना चाहेंगी। साल का आखिरी मैच है इनका, फिर नए साल की शुरुआत होगी। आज देखते हैं साल का अंत जो है दोनों टीमें किस प्रकार करती हैं टॉस के समय। टेल आ गया क्या? विल बॉल। चलिए, और आज मैं एक चीज़ और बता दूं कि इन दोनों टीमों का जो ये मैच है एक फॉर्मेलिटी वाला भी है, क्योंकि अगले राउंड में इनका फिर से मैच है, तो आज ये नए प्लेयर भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की किसी को दिक्कत नहीं है। दोनों टीमों को हार जीत से कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, स्टैट्स जरूर मेंटेन रहेंगे, तो मतलब आज अपने नए प्लेयर भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, लो जी स्वागत है आपका रामजस क्रिकेट ग्राउंड में। आज बहुत ज़बरदस्त मैच खेला गया, साल का आखिरी दिन था और एनआर सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मैच खेला गया, इतिहास रचा गया। आज पहली बार पंजाबी पैंथर को शिकस्त मिली है सेवेज की टीम से। क्लैपिंग है भाई, बहुत अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई। लग रहा था 165 रन बन जाएंगे, सेवी जैसे आउट हुए टीम अचानक इनका स्कोर जो था 130-132 पर सिमट गया। भरत जी ने बहुत लाजवाब बॉलिंग करी और फिर बैटिंग करी है अंश ने, खतरनाक। लेकिन फिलहाल दो प्लेयर जो थे आज पंजाबी पैंथर की तरफ से, पहले मयंक को मैं बुलाना चाहूँगा, एक मोमेंट हो आप कोई सब, यहाँ आप सम्मानित करें मयंक जी को, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और दूसरा मोमेंट हो आप सेवी जी को, खुद कप्तान भी है और हर मैच में कुछ ना कुछ लेकर जुड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अब मैं चाहूँगा कि एक मोमेंटो आप भरत जी को भी दें, आज इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, विकटे लेकर गए हैं, एक ही लेके आप अपने ले। और आज जो सबसे बड़े मैन ऑफ द मैच है वो है अंश मेहता, सबसे इम्पैक्ट नॉट आउट इनिंग खेल के आए हैं और ओपन गए थे, पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। और अब अगला मैच जो है इन दोनों टीमों के बीच फिर है, वो करो या मरो का, अगले हफ्ते जो जीतेगा वो सेमीफाइनल का मैच खेलेगा। मिलते हैं फिर।